ठाकुर जी ने कहा देवताओं सबसे बड़ा भार इस मृत्यु लोक पर मेरे ही पुत्र है, जब तक ये नष्ट नहीं हो जाते तब तक मैं नहीं आ सकता। भक्तों आज यदुवंशियों के वंश को नजर लगी, यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। उद्धव को पता चलता है कि मेरे श्री गोविंद इस धरा को छोड़कर जाने वाले हैं, तो क्यों ना इनसे ज्ञान लिया जाए। कहने लगे प्रभु पैरा के क्या संन्यास कैसे लिया जाए, सन्यासी कैसे बने। कहने लगे हे उद्धव जो प्रश्न आज तुम मुझसे कर रहे हो वही प्रश्न यदुओं ने दत्तात्रेय महाराज से किया। कहने लगे महाराज जी आप बड़े मोटे हो, आपको कभी क्रोध नहीं आता, इतने मोटे ताजे शरीर को लिए बैठे रहते हो, हर वक्त ठाकुर जी का स्मरण करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं नाटक तो नहीं करते। देखिए संत को कभी क्रोध नहीं आता चाहे कोई कैसे भी, अब सब तो उनसे कहे। दत्तात्रेय जी ने कहा मेरे जीवन में संन्यास केवल गुरुओं की वजह से आया है, मैंने अपने जीवन में 24 प्रकार के गुरु बनाए, 24 गुरु बनाए मैंने अपने जीवन में। देखिए हमारे जीवन में 3 गुरु होते हैं, पहले गुरु जो हमारे घर के यानी कि पुरोहित गुरु होते हैं, जो बच्चों का नामकरण करें, शादी विवाह कराएं, उन्हें बोलते हैं पुरोहित गुरु। दूसरे गुरु शिक्षा गुरु जो हमको शिक्षा दे। देखिए जीवन में शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु केवल एक ही होता है, जो हमें कान में गुरु मंत्र देता है, गले में कंठी बांधता है, उससे हमें दीक्षा गुरु कहते हैं, और दीक्षा गुरु जीवन में केवल एक ही होता है। शिक्षा गुरु हजारों होते हैं, अनेक होते हैं, अगर एक बच्चे से भी हमें ज्ञान मिले तो वो भी हमारा शिक्षा गुरु है, अगर हमें चींटी से भी कुछ सीखने को मिले तो वो भी हमारा शिक्षा गुरु है। इस प्रकार दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, उन्होंने सभी से कुछ ना कुछ सीखा। एक कन्या से उन्होंने सीखा कि वो कितनी चंचल होती है, एक बच्चे से उन्होंने सीखा कि बच्चा कितना सरल होता है, कितना मस्त होता है,